हेलो भाई, आज वो फिर आया था और आज तो मैंने उसे महसूस भी किया। भाई ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखा नंगा ही मर जाऊंगा। शांत हो जा पहले, डरने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, राजू और चिंटू को फोन मिला और बुला भी। तूने वो देखा पप्पू सुलभ शौचालय? हाँ हाँ, वहां मिलते हैं। उसके पीछे की जो गली है देखी है ना? हाँ वहां मिलते हैं। उसके साइड में जो पार्क है उसमें मिल मुझे 10 मिनट में। ठीक है, आता हूँ। ये कहाँ बुला लिया हन्नी ने, वैसे अंधेरे से इतनी फटती है। अबे पागल हो क्या, डरा दिया। ओए पागल किसे कह रहा है, रात के 2:30 बजे फोन तेरा आया है, क्यों बुलाया अचानक से? अच्छा हन्नी को आन दो, सब बताता हूँ। हन्नी अभी 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 यार, हेलो यार, ये हन्नी कहाँ रह गया? सुबह हो गई क्या? गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ हन्नी कहाँ रह गया, आज तक तो कभी लेट हुआ नहीं। और आज भी लेट नहीं हुआ। हाँ अब बता क्या हुआ था। भाई ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता आ रहा है और कल रात जब मैं गहरी नींद से सो के उठा उसके बाद बात की कहानी तो तुम्हें पता ही है। अब बताओ मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो डरने की जरूरत नहीं है, तू ये बता ये सब होता कितने बजे है? भाई ठीक से तो याद नहीं है पर तकरीबन 1 बजे होता है। तू एक काम कर, कल रात 12:36 पे अपना गेट खुला रखियो, हम आएंगे अपने अपने हथियार के साथ और उसको वहीं खत्म कर देंगे। सीधे से जाओ, वहां से बच गया तो वो चितना तोला बच्चे में लगटी अररर नाक मुक नाक मुक नाक मुक अररर नाक मुक 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 अररर नाक मुक नाक मुक नाक मुक नाक मुक नाक मुक नाक मुक नाक मुक। बारह बज के 36 मिनट पे अपना गेट खुला रखियो, हम आएंगे अपने अपने हथियार के साथ। सुना इस घर में कोई खूनी वारदात होने वाली है? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। जी साहब, पकड़ चल रहे। जिंदगी
तूने मुझसे पंगा लिया है ना, तुझसे तो बदला लेके ही रहूंगा।